आज कहानी हम बताने जा रहे हैं जियो की और मुकेश अंबानी के बेटे की। तो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, उसमें बड़े बड़े कलाकार और बड़े बड़े नेता भी आए, जैसे पवन कल्याण, संजय दत्त, पवन सिंह और सलमान खान, और जितेंद्र और उनके बेटे लालू प्रसाद, लालू जी जो बिहार के थे वो भी आए अपनी पूरे परिवार के साथ। तो इतनी बड़ी शादी ना मैंने कभी देखी ना मैंने कभी सुनी, बहुत बड़ी शादी थी जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार भी आए। अब बात करते हैं जियो की। तो जियो का रिचार्ज जो बढ़ा है, तो इतने बड़े बड़े कलाकार आए और इतने बड़े बड़े नेता आए, उनका जो खर्च हुआ वो जियो ने ही तो किया, तो इसीलिए जियो का रिचार्ज बढ़ाया गया ताकि इतनी बड़ी शादी में जितना भी खर्च हो वो जियो के दाम बढ़ाकर वसूला जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस शादी में मुकेश अंबानी और प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हुए। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में प्रधानमंत्री जी भी आए और अन्य भी बहुत बड़े बड़े नेता आए। इस शादी में सबसे बड़े क्रिकेटर धोनी भी शामिल हुए, उन्हें भी निमंत्रण मिला तो उनको भी बुलाया गया और वो भी अनंत अंबानी की शादी में शामिल हुए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमने बताया जियो की कहानी, तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2016 में जियो लॉन्च हुआ और उसको जियो सिम जो थी 6 महीने तक 2 GB डाटा फ्री, कॉल भी फ्री दिया मुकेश अंबानी ने। उसके बाद 6 महीने बाद 149 का रिचार्ज हुआ और 1.5 GB डाटा, 1 महीने की कॉल। उसके बाद रिचार्ज बढ़ता गया। अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में, अनंत अंबानी के शादी में रिचार्ज 300 का हो गया, इसलिए कि उनकी शादी में खर्च जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा था, इसलिए रिचार्ज बढ़ाया गया।